पना, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ अगर मुल्ला जी और बिरबल दरबार में नहीं है? आपके बाकी सारे नवरत्न तो है, उनसे मदद ले लीजिए। पर आप उदास मत रहिए जहां पना। हाँ बहुजूर, शाही खून है हम। अब आपकी हर मुश्किल का हल हम अपने फौलादी दिमाग से ढूंढेंगे। मुझे बताया बुबू, और अगर सलीम भाई सा हर मुश्किल का हल नहीं ढूंढ पाए ना, तो बुबू मेरे पास तो है ना अपनी। आप जाने दीजिए ना बिरबल जी और मुल्ला जी को। अरे बात ये नहीं है कि हमारे दो नवरत्न हमारे दरबार में मौजूद नहीं है। बात ये है कि ये मजहबी फसाद हमारे दरबार में घुस गया है। अरे जिन दो लोगों को हमारी आवाम के लिए, हमारी रियासत के लिए मिसाल होना चाहिए था, वो इस मजहबी लड़ाई में पड़ गए हैं। उन दोनों तक हमारा संदेशा पहुंचा दीजिए कि चुपचाप वापस दरबार में लौट आए, वरना जितना प्यार किया है ना हमने इन मुल्ला और बिल्ला से, उतना ही हल्ला गुल्ला करके दोनों को रुल्ला देंगे। तखुल्ला, तखलिया। आई आइए हुजूर, तशरीफ रखिए। नहीं नहीं नहीं, हम ठीक हैं। देखा हुजूर, देखा आपने, काबिलों ने क्या हालत कर दी मेरे गोदाम की। गोदाम में आग लगा दी, मेरी जिंदगी भर की कमाई जल के राख हो गई। हुजूर, हुजूर, दो दिन पहले पूरा गोदाम सरसों के तेल से भरा हुआ था। सब कुछ खाक हो गया हुजूर, सब कुछ खाक हो गया। मैं तो बर्बाद हो ही गया हुजूर, बस अब आपका ही सहारा है। देखिए देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आप हम पर भरोसा कीजिए। हम आपसे वायदा करते हैं कि जब तक जहां पना आपका मुआवजा आपको अदा ना करें, तब तक हम भी महल वापस नहीं जाएंगे। ये चैत्र महीने के आते आते इतनी गर्मी बढ़ जाती है। छोड़िए। नहीं नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी पीना नहीं छोड़ सकते। अरे गजब हो गया है। अब क्या हुआ? पिताजी ने हमें आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया है। क्या? अरे लेकिन क्यों? पिताजी का कहना है कि वो हमारी शादी एक ऐसे आदमी से नहीं कर सकते जो काम हम छोड़ के घर पे बैठा हो, जो निखट्टू हो। हाँ, निखट्टू। छोड़िए, बुरा मानना छोड़िए, काम हम छोड़ के तो आप बैठे ही हैं ना। अरे वो तो हम, वो तो हम क्या, क्या कहिए ना, क्या क्या उर्वशी, हम बिल्कुल सही वजह से काम छोड़ कर बैठे। अगर हमने किसी गलत बात का साथ दिया तो एक गलत बात और चार गलत बातों को जन्म देती है। छोड़िए, पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, हम मजाक कर रहे थे। लेकिन बीरबल, क्या सही है और क्या गलत ये हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आप दोनों के झगड़े में जहां पना बिल्कुल टूट गए। हमने उन्हें कहते हुए सुना, वो कह रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके दोनों हाथ कट गए हों। और उनकी महानता देखी, उन्होंने अपना गुस्सा बिल्कुल जाहिर नहीं किया, बल्कि आप दोनों को दो दिन का वक्त दिया है। बीरबल, अब उनकी और बेइज्जती मत करना, वरना आप हमारी नजरों में भी गिर जाएंगे।
जहाँ पना, जहाँ पना, देखिए जरा आज भी मुल्ला जी और बिरबल दरबार में नहीं आए। आपने संदेशा भेजा फिर भी नहीं आए। अनी साहब, हो सकता है कि हमारा संदेशा उन तक पहुंचा ही ना हो। कैसे? अरे कैसी बात कर रहे हैं ये? हाँ, पूरी दुनिया को पता है लेकिन उन दोनों को पता नहीं कि आपने संदेशा भेजा। ठीक है रानी साहिबा, बहुत हो गया। अब हम बीरबल और मुल्ला को सजा दे कर रहेंगे और आप बीच में हमें टोक कर रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। नहीं 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 रानी साहिबा, नहीं, हम आपकी एक बात नहीं सुनेंगे रानी साहिबा। हम उन दोनों को सजा दे कर रहेंगे, हम नहीं सुनने वाले। कुछ भी रानी साहिबा मत बोलिए। अरे रुक जाइए। अरे हम कहाँ रोक रहे हैं आपको? हम तो आपसे यही कह रहे उन दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ तो ठीक है, हम आज सजा के बारे में सोचेंगे और कल सजा सुना देंगे। नहीं जापना, कल नहीं, अभी इसी वक्त सजा सुनाइए। उन दोनों ने आपकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है, अभी इसी वक्त सजा सुनाइए ताकि कोई दूसरा आपसे गुस्ताखी ना करे। सही कह रही है आप रानी साहिबा, हमें बस एक आध महीने का वक्त दीजिए, हम सजा सुनाते हैं। जा बना की जय। ओहो, बिल्ला मुल्ला वल्ला वल्ला। जा बना सलामत रहे। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए, वरना हम आपको एक बहुत बड़ी सजा सुनाने ही वाले थे। जा बना, हमारे और मुल्ला जी के बीच सुलह हो गई, पर सुलह की शर्त यह है कि मुल्ला जी जो चाहते हैं वो मुआवजा करीम खान को दिया जाए और हम जो चाहते हैं वो मुआवजा लाला धनपत को दिया जाए। ठीक कह रहे हैं आप लोग, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोग कभी भी गलत मुआवजे की मांग नहीं करेंगे, इसलिए आपकी शर्त हमें मंजूर है। बताइए आपके इन दोनों आदमियों के लिए क्या मुआवजा चाहिए आप दोनों? जहां पर हम चाहते हैं कि मुआवजे के तौर पर लाला धनपत को सजाए मौत दे दी जाए और जहां पना हमें करीम खान के लिए सजाए मौत से भी बदतर मुआवजा चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या कहना क्या चाहते हैं? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं जहां पना, जरा इन दो शक्लों को गौर से तो देखिए, ये दोनों वही वैसे दरिंदे हैं जिन्होंने जाति की मुफात में हिंदू मुसलमान भाइयों पे फसाद करवाया। मुल्ला जी, एक ऐसी काफिरों वाली जुबान बोल रहे हैं आप। खामोश हो जाइए, अब आपके जुबान से अगर एक लफ्ज आया इसी वक्त आपका ये सर आपके जिस्म से हम अलग कर देंगे। मुल्ला, हम मुआफी के तलबगार हैं जानना। ये तो कुछ भी नहीं है। अरे हमारे मैके में लोग जो माफी मांगते, जो माफी मांगते। रानी साहिबा, रानी साहिबा, रुक जाइए, रुक जाइए। बीरबल, आप जरा तफसील से बताइए कि मामला क्या है। जा बना, इन्हीं दोनों ने मिलकर इमाम मुर्तजा साहब पर हमला किया था। इन दोनों ने? और इसका सबूत है ये खंजर। जा बना, ये खंजर करीम खान का। जा बना, ये खंजर मेरा नहीं है। तो ये खंजर आपका नहीं, लेकिन ये तरकश तो आप ही का है ना। झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए, ये आप ही के घर से मिला है और इस पर आपका नाम लिखा है। क्या बना, गौर से देखिए इस तरकश को, इसमें तीन खंजर के खाने हैं लेकिन एक खंजर गायब है। यही है वो खंजर जो गायब है। इसी खंजर से इमाम मुर्तजा साहब पर हमला किया गया था और ये खंजर करीम खान का है। ये खंजर किसे मिला? जहां बना, दरअसल जिस दरमियान हम करीम खान के अजीज हो गए थे ना, उस वक्त हमारा ज्यादातर वक्त इनके घर पे ही बीतता था। एक दिन हम इनके घर की तलाशी ले रहे थे तो उस वक्त हमने देखा कि क्या हुआ हुजूर? गले में कुछ अटक, पानी। अरे ले आप हुजूर।
जिसका एक खंजर इमाम साहब को हुजूर एक पानी लीजिए। शुक्रिया। और बस फिर इस तरकश को हमने वहां से उठा लिया और इस मामले में बीरबल जी को भी इत्तला कर दिया। आपको यहां आते किसी ने देखा तो नहीं? हमें कौन देख सकता है, हम तो यारी के शहंशाह हैं। अच्छा ये देखिए बीरबल जी, ये बड़े ही काम की चीज मिली हमें करीम खान के वहां। क्या है ये? उसी छुरे का तरकश है जिस छुरे से इमाम मुर्तजा साहब पर हमला हुआ था। हाँ अगर आप इसे खोल के देखेंगे तो आप इसमें सारे छुरे पाएंगे, सिर्फ एक छुरा गायब है। वही छुरे से इमाम मुर्तजा साहब पर हमला हुआ है। कहानी बिल्कुल पानी की तरह साफ है बीरबल जी। हाँ वाह मुल्ला जी वाह। मुल्ला जी अब वक्त आ गया इस जुर्म के खेल से पर्दा उठाने का। और जहां पर जब हमने करीम खान के इस खंजर को इस तरकश के खाने में डाला तो वो बिल्कुल सही बैठ गया। लेकिन आप दोनों को शक कैसे हुआ कि ये काम इन दोनों का ही है? जहां पर हम और मुल्ला जी इस दंगे में हुई एक एक घटना को गौर से देख रहे थे, इसका अध्ययन कर रहे थे कि अचानक मुल्ला जी ने एक ऐसी बात बताई कि हमारा माता ठनका। कैसे हैं आप? अच्छे, बस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे हिंदू मुसलमानों के दंगों का सच दुनिया के सामने आए, जैसे तैसे दुनिया ये देख सके कि कैसे चंद मक्कार और लालची लोग अपने फायदे के लिए दो लोगों को लड़वाते हैं। मुल्ला जी आपकी नीयत नेक है, आपकी कोशिश भी जरूर कामयाब होगी। बताइए कि अब तक की खबर क्या है? बीरबल जी हमने ये गौर किया कि इस साल इस दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ दो लोगों का हुआ है, एक लाला धनपत का और दूसरा करीम खान का। अच्छा अब इत्तफाक की बात तो यह है कि ये दोनों ही तेल के कारोबारी हैं। इससे बड़ा इत्तफाक तो यह है कि इस साल इन दोनों ने आसपास के सारे सरसों के खेत खरीद लिए। मुल्ला जी इत्तफाक की बात यह भी है कि 100 में से 90 खेत जो जले वो सरसों के ही थे। और सबसे बड़ा इत्तफाक यह है कि आम तौर पर इतने सारे इत्तफाक एक साथ नहीं होते। मुल्ला जी हमें यकीन है कि ये करीम खान और लाला धनपत झापड़ा से मुआवजा मांगने जरूर आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए बीरबल जी, इन दोनों से जुड़ी छोटी से छोटी चीज की तफ्तीश कर लेंगे हम। मुल्ला जी हमें पुख्ता सबूत की जरूरत है जिसका मिलना इतना आसान नहीं। तो फिर क्या किया जाए? वही मुल्ला जी जो आज तक दरबार में कभी नहीं हुआ। जापना जब हमने इस दंगे को फायदे और नुकसान के तराजू में तोला तो सारा मामला साफ हो गया। अब ये तय था कि ये दंगे इन दोनों ने ही करवाए, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं था और सबूत मिलना बेहद मुश्किल था। इसका एक ही रास्ता था कि हम लाला धनपत के करीबी हो जाए, इनके राजदार हो जाए, इनके दोस्त हो जाए और मुल्ला जी करीम खान से दोस्ती कर ले। हमने और मुल्ला जी ने मिलकर एक योजना बनाई। हमने
भरे जनता दरबार में सबके सामने एक दूसरे से झगड़ने का नाटक किया। मुल्ला जी ने करीम खान का साथ दिया और हमने लाला धनपत का। हमने इन दोनों का भरोसा जीत लिया। जा पड़ा हम और मुल्ला जी इन दोनों के घरों और गोदामों में आने जाने लगे और वहीं करीम खान के घर से मुल्ला जी को ये तरकश मिला जिसके खंजर से इमाम साहब पर हमला किया गया था। शाही खून है हम, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि इनका कारोबार, इमाम मुर्तजा पे हमला और इन सब दंगों का आपस में क्या रिश्ता है। वाह क्या सवाल है। हाँ? मुझे पता है। अरे वाह तुझे पता है। पता कि मुझे नहीं पता, मुझसे क्या पूछ रहे हो सलीम भाई साहब, उनसे पूछो ना। खामोश खरगोश। एक छोटे से दिमाग से काफी बड़ा सवाल निकल कर आया है, जवाब दीजिए बीरबल। सवाल तो अच्छा है। जापना ये तेल के व्यापारी है। रियासत में जितने भी सरसों होते हैं ये उसे खरीदते हैं, उसमें से तेल निकालकर बेचते हैं, अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। जापना ये बड़े ही समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अपने कारोबार को चलाने के लिए ये अपनी अकल या समझदारी पर नहीं बल्कि किसी ज्योतिष की भविष्यवाणी पर चलते थे। सही कह रहे हैं मुल्ला जी। जापना जापना इस बार इनके ज्योतिष ने इन्हें बताया कि रियासत में एक भी सरसों नहीं उगेगा। और तभी इन दोनों बेवकूफों ने हमारी रियासत में कम खेत खरीदे और दूसरों की यानी कि बाहर की रियासत में ज्यादा खेत खरीद लिए। लेकिन इस बार तो हमारी रियासत में सरसों की काफी अच्छी फसल हुई है। ये तो कुछ भी नहीं है जापना। अरे हमारे मैके में तो हर साल सरसों की तेल की बाढ़ आती है। बाढ़ आज सरसों कल सरसों परसों सरसों 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 परसों परसों। बस रानी साहब बस 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 हम समझ गए। हम समझ गए रानी साहब। हाँ बीरबल आप कुछ कह रहे थे। जापना बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे रियासत में सरसों की फसल अच्छी हुई और यही बात इन पर भारी पड़ गई। जा बना इन्होंने बाहर के महंगे खेत खरीदे, हमारे यहाँ सरसों की फसल अच्छी हुई और सरसों के दाम गिर गए। और तभी ये दोनों बर्बाद हो गए। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, ये कंगाल होने वाले थे। जा बना वहीं से इनके अंदर का शैतान जागा। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच दंगे करवाए जाए ताकि दंगों के आड़ में ये अपने कारोबार और खेत के अवज में रियासत से मुआवजा वसूल कर सके। और इसीलिए जिस दिन दो बच्चे और उनके माँ बाप का झगड़ा हो रहा था उस वक्त ये दोनों ही नामकूल थे जिन्होंने उस छोटे से झगड़े को एक दंगे का माहौल बना दिया। जापना वो भी अपने फायदे के। ओहो, तो इन्होंने इमाम मुर्तजा पर हमला इस दंगे को और भड़काने के लिए करवाया था। अब इन्होंने करवाया था या खुद किया था ये खुद बताएंगे। बताइए। ए आदम खातों, अब आप दोनों अपने मुंह से कुछ उगलेंगे या हम उगलवाएं? हम बताते हैं जापना, हम बताते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हमने तहस नहस कर दिया। एक काम करो, रुद्राक्ष की एक माला तोड़कर पूरे घर में बिखेर दो ताकि ऐसा लगे हिंदू दंगाइयों ने बहुत सारा जुल्म किया हो। अरे
हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को हम क्या सजा दें। हम बताते हैं चापना, दोनों को मौत की सजा दी जाए। नहीं मुल्ला जी नहीं, ऐसे वैशी लोगों के लिए मौत की सजा भी बहुत छोटी है। इन्हें तो हम ऐसी सजा देंगे कि मौत की भी रूह कांप जाएगी। ले जाइए इन दोनों को हमारी आंखों के सामने से। जापना माफ कर, राम जापना, राम जापना, राम। जापना की जाओ, जापना इमाम साहब को होश आ गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जाइए आप जा सकते हैं। बीरबल मुल्ला आप लोग यहां आइए, आइए आइए। बीरबल मुल्ला हम आप दोनों से बहुत खुश हैं। हमारा दिल कह रहा था कि हमारी तालीम और तरबियत इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि हमारे दो नवरत्न इस तरह हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ जाए। जापना जिस घर के मालिक ही जात पात का भेदभाव ना करते हो तो उनका असर तो हम बच्चों पर होगा ही ना। वैसे भी जापना आपने इस धर्म और मजहब की रंजिश को मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जहां जहां बना आपने आपने जंग लड़ी, सुलह करवाई, शादियां की। शादियां? ओ मुल्ला जी, शादियां की मतलब? हाँ, जहां बना ने कहां कहां शादियां की है? नहीं, गुस्ताखी की मुआफी चाहेंगे रानी साहिबा, हमारा मतलब वो नहीं था। हमारी जुबान फिसल गई होगी। जुबान जुबान फिसल गई? ऐसी जुबान फिसल दी है? चलिए चलिए सब लोग जाइए, हो गया, तक लिया, चलिए जाइए। लेकिन रानी साहब जाइए। अरे बीरबल मुल्ला मुल्ला बिल्ला मुल्ला चहापना नीचे आइए, नीचे उतरिए, उतरिए आइए। मुल्ला जी ने शादियां क्यों कहा? रानी साहिबा वो गलती से मुल्ला जी के मुंह से निकल गया होगा और दाढ़ी से फिसल गया होगा। अच्छा, गलती से निकल गया या आपने गलती की? रानी साहिबा हमने आपसे शादी की ना? की। फिर एक गलती करने के बाद दोबारा कोई अपनी गलती को दोहराता है क्या? नहीं।